So guys, welcome back to your class and we are recording Epaathshaala video on history and बहुत बहुत thank you आपने channel को support करने के लिए कि हमारा channel grow हो रहा है इतनी तगड़ी तरीके से. So video का 5th part है, 7th class के history हम पढ़ रहे हैं, printing culture and modern world, इसके बारे में हम study कर रहे हैं. आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि 19th सेंचुरी के अंदर क्या बदलाव आते हैं इंग्लैंड में, वो हम देखेंगे प्रिंटिंग कल्चर से रिलेटेड. देन हम देखेंगे कि चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स में इसका क्या योगदान रहा और उसके बाद क्या फर्दर इन्वेशन हुए थे, नवचार यानी कि इनोवेशन यानी कि नए आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस को लेकर क्या उसमें कुछ एस्टैब्लिशमेंट या कुछ बदलाव आए या नहीं आए. सो गाइज, मेरा फोकस करने का मेन मकसद यही है कि 19th सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड हो चुका था कि बड़े पैमाने पर लिटरेसी रेट बढ़ रहा था. क्यों? मास लिटरेसी रेट बढ़ने का मेन मकसद यूरोप के अंदर यही था कि प्रिंटिंग कल्चर एमर्ज हो रहा है. जहाँ पर लोगों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी, अब लोगों को पढ़ने के लिए किताबें मिलने चालू हो गई. इवन मैं लार्ज पार्ट पे बात करूँ बच्चों की, महिलाओं की और लेबर्स के बीच की बात, तो उनके बीच तो इनकी संख्या, लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स यानी कि पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. मन में बहुत सारी किताबों के ख्यालात आ रहे थे कि मार्केट में ये बुक है, वो बुक है, वो बुक है, फलाना बुक है. ये सारी बुकें इंसान को उस समय पे इन वर्ग के लेवल पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया. तो कहने का मतलब ये था कि बच्चों को भी अगर किताबें पढ़नी होती तो बच्चों को उनकी भावनाओं को देखकर, उनकी संवेदनाओं को देखकर, उनकी सेंस और सेंसिबिलिटी जो होती है उनको ध्यान में रखकर किताबों को लिखा गया और प्रिंटिंग कराई गई. आपको याद होगा आज की डेट में जब पहली क्लास का बच्चा होता है तो उसकी किताबें अलग लेवल पर छपती हैं, फिर जो कॉलेज में जाते जाते लैंग्वेज हार्ड होती चली जाती है ना. ऐसा ही सेम टू सेम 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप यानी कि लंदन जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर हो रहा था और यहाँ पे प्रिंटिंग कल्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था. 5.1 के अंदर हम ये जानने की कोशिश ये करेंगे कि जिस तरीके से बच्चे जो किताबें पढ़ रहे थे उसमें पब्लिश इंडस्ट्री जो थी ना, वो स्कूल के टेक्स्ट बुक को प्रिंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करने लग गई. क्यों? क्योंकि प्रकाशन उद्योग जो था ना, पब्लिश इंडस्ट्री, उसने मेनली स्कूल के पाठ्यक्रम के उत्पादन में पूरा फोकस करा. बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बच्चों के लिए ही क्या कहते हैं किताबें प्रिंट करी जानी थी, इसलिए 1857 के अंदर फ्रांस के अंदर एक प्रेस की स्थापना करेगी स्पेशली बच्चों के लिए. बच्चों के लिए प्रेस के साथ साथ यहाँ पर पुरानी जो परियों की कहानियाँ होती थी, लोक कथाएँ होती थी, उनको प्रकाशित इसलिए करवाया जाता था ताकि बच्चों के दिमाग के अंदर वो चीज़ें काफ़ी आसानी से बस जाए, घुस जाए और काफ़ी जो इंटरेस्ट है पढ़ाई को लेकर उनके दिमाग में बढ़े. तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा योगदान था. और उसके अंदर इनिशिएट में बोल सकता हूँ कि वहाँ की कंट्री के लोगों ने बच्चों के लिए किताबें प्रिंट करनी चालू करी. वुमेन्स को इवन रोल दिया कि आप किताबें लिखें और किताबें बनाएं, है ना. तो महिलाओं के साथ मैं बोल सकता हूँ कि महिलाओं के लिए लेख का कार्य बहुत अच्छा हो गया था. वो लेखिकाएँ जो थी बहुत बनने लग गई थी और 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सी वुमेन्स ने तो उपन्यास लिखना चालू कर दिया था, यानी कि नोवेल्स लिखने चालू कर दिए थे. तो महिलाओं की भागीदारी आप देख सकते हैं पढ़ाई को लेकर. ये कैसे इंग्लैंड के अंदर कभी कहीं पे प्रिंटिंग कल्चर हुआ नहीं होता था, लेकिन बाद में जाके प्रिंटिंग कल्चर इतना बड़ा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, महिलाओं ने लिखना चालू करा. तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक कह सकता हूँ कि मैं इनिशिएट हो सकता है कि कहाँ वुमेन्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था और कहाँ पे वुमेन्स को क्या कहते हैं हाँ बहुत बड़ा अस्तित्व मिलना चालू हो गया. सबसे अच्छी बात ये रही 17th सेंचुरी से, क्योंकि किताबें तो कम होती थी उस 17th सेंचुरी में, लेकिन पुस्तकालय थे. पुस्तकालय दैट मीन्स लाइब्रेरीज होती थी. लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें होती थी ना, उनको किराए पर ले जाके लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया था. तो इस एक ये भी एक इनिशिएट अच्छा था कि लोगों ने लाइब्रेरी की स्टेब्लिशमेंट करी और वहाँ पे बहुत सारी बुकें होती थी तो लोग वहाँ पे टाइम बिता के पढ़ते थे. तो ये सब प्रिंटिंग कल्चर का ही कमाल है. तो ये सब बहुत अच्छा था. प्रिंटिंग कल्चर पुस्तकालय को बढ़ावा दे रहा है, शिक्षित वर्ग को बढ़ावा दे रहा है, इससे मिडिल क्लास जो है ना वो काफ़ी हद तक क्या कहते हैं एजुकेटेड होता चला जाएगा, समझ रहे हैं. उसके बाद अगर फर्दर इन्वेशन की बात करूं तो भाई हमारे 19th सेंचुरी के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क कहाँ पे है सो प्लीज़
डू कमेंट इन दिस वीडियो कि न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है और किस देश के अंदर न्यूयॉर्क है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। न्यूयॉर्क के अंदर रिचर्ड एम हो जो है उन्होंने क्या कहते हैं बिजली से चलने वाले एक बेलनाकार प्रेस, सिलेंड्रिकल प्रेस की क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट करी थी। और हमारे रिचर्ड एम कोल जो है उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने गुटेनबर्ग से अच्छी प्रिंटिंग मशीन की इस्टेब्लिशमेंट कर दी। तो पावर ड्रिवन सेंट्रिकल प्रेस मशीन जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है मिड नाइनटीन सेंचुरी के अंदर ही, यानी कि लगभग 1830 के 50 के आसपास। और उसकी खासियत ये थी कि एक घंटे के अंदर 8000 शीटों को प्रिंट कर सकती थी। मतलब गुटेनबर्ग ने तो अलग ही स्थिति बनाई थी, आपने देखा था 3 महीने के अंदर उसने बाइबल बुक जो है प्रिंट करके दिखाई थी। लेकिन ये मशीन ऐसी थी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कि 8000 शीटें एक बारी में प्रिंट कर सकती थी। तो ये एक फर्दर इनोवेशन ही मैं कह सकता हूँ कि इसने कितनी अच्छी तरीके से प्रिंटिंग के लेवल को कितना आगे तक बढ़ा दिया होगा, है ना। तो 19 सेंचुरी के अंदर फिर बाद में ऑफसेट प्रेस भी विकसित होने लग गए, जो एक ही बारे में 6 तरह के रंग जो होते हैं उसकी प्रिंटिंग करनी चालू कर दी, यानी कि अब जो प्रिंटिंग थी वो कलरिंग के अंदर भी आने चालू हो गई थी। सो गाइस ये सारे फीचर्स थे इसके। और न्यू स्ट्रेटजी, अब जैसे मान लीजिए किताबों को आप जो कि कलरिंग वाली किताबें आ चुकी थी, तो स्ट्रेटजी क्या हो किताबों को बेचने के लिए, तो सिंपल सी बात ये होती थी कि जो नोवेल्स लिखे जाते थे ना, पॉपुलर नोवेल्स, उस समय पे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे लिखे जाते थे, उन नोवेल्स की किताबों की सीरीज़ निकाली जाती थी ताकि पढ़ने वाला जो रीडर था ना उसके प्रति हमेशा क्यूरियस रहे कि यार क्या कुछ नया इस नोवेल के अंदर लिखा हुआ आएगा। तो एक तरीका होता था जिससे राइटिंग कल्चर का एक जो पर्टिकुलर वे होता था ना वो भी एक स्ट्रैटेजिक तरीके से बनना चालू हो गया। तो 1920 के दशक में अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर सस्ते जो श्रृंखला थे, यानी कि जो चीप सीरीज़ थी वो बिकती थी, जैसे ये लोग सीलिंग श्रृंखला भी कहते थे, सीलिंग सीरीज़ भी कहते थे, इसमें सस्ती मात्रा में किताबों को बेचा जाता था। और एक तरीका ये होता था कि किताबों के बैकग्राउंड बाहर के साइड में एक अच्छा कवर चढ़ा देना, कवर चढ़ाने से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी दिखाई देता था और लोग किताबें खरीदने में काफ़ी इच्छुक हो जाते थे इस चीज़ के लिए। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। सो गाइज ये सब इंग्लैंड का विषय था, अगले पार्ट में हम आप भारत से रिलेटेड बातें जानेंगे, भारत का पूरा इतिहास जानेंगे। अब हमने देखना है कि कैसे जो प्रिंटिंग कल्चर था वो यूरोप से अब भारत की तरफ आता है। तो शुरुआत में चाइना, फिर जापान, फिर इटली, फिर यूरोप एंड देन फिर भारत की तरफ। तो ये सब अभी तक हमने यूरोप के बारे में पढ़ा था, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इस हिस्ट्री के लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।